एक अंग्रेजी फिल्म में देखा था मैंने कि आप जिंदगी में कभी कुछ अच्छा या बुरा करो तो उसका एक स्टेटमेंट बना के रिकॉर्ड कर लो। स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया हुआ आपको बहुत काम आता है, कभी शायद आपको सही प्रूव करने के या कभी शायद दुनिया को दिखाने के कि किन हालातों में और क्यों ये सब कुछ आपके साथ हुआ या आपने किया। इसीलिए मैं अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के लिए जा रहा हूं। आज शनिवार रात के 1:15 बजे मेरा पहला स्टेटमेंट। मेरा डॉक्टर वरुण के घर अपॉइंटमेंट था, अपॉइंटमेंट 4 दिन पहले डिसाइड हो गया था। लगभग 6 माह से एक बहुत जबरदस्त तकलीफ से गुजर रहा था मैं। कुछ सवाल थे मेरे जहन में जिनके जवाब शायद किसी के पास नहीं थे, और कई बार कुछ ऐसी तकलीफें होती हैं जिनके जवाब शायद लोगों से आप पूछ ही नहीं सकते हो, उस बारे में किसी से चर्चा कर ही नहीं सकते हो। सो मैंने चुना एक साइकोलॉजिस्ट को। मैं साइकोलॉजिस्ट के घर गया। बारिश थी, बहुत तेज बारिश थी। मैं लगभग आधा भीग सा गया था। मैं डॉक्टर के घर पहुंचा। डॉक्टर के घर पर जब मैंने बेल बजाई तो सामने से उसकी काम वाली आई। कुछ लोगों को शायद काम वाली सुनने में तकलीफ हो तो मेड आई। मेड ने आकर के मुझसे पूछा, आपको किससे मिलना है? मैंने कहा, डॉक्टर से मिलना। उसने दोबारा से दरवाजा बंद किया और वो अंदर गई। कुछ देर बाद वो पलट के वापस आई। उसने मुझे घर के अंदर बैठने को बोला। डॉक्टर का घर काफी बड़ा था, अंधेरा था, मैं ढंग से देख नहीं पा रहा था क्योंकि बिजली चली गई थी। मुझे पानी देते हुए उसने कहा कि डॉक्टर 5 मिनट में आने वाले हैं। मैं 13 मिनट तक डॉक्टर का इंतजार करता रहा मगर डॉक्टर नहीं है। जब ये डॉक्टर हमको टाइम देते हैं तो ये अपने टाइम की वैल्यू क्यों नहीं करते? खैर, डॉक्टर आए और डॉक्टर ने मुझसे आकर के पूछा कि कैसे हैं आप कबीर? मैंने कहा, डॉक्टर साहब मैं अच्छा हूं। डॉक्टर ने पूछा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई तुमको आने में? डॉक्टर को मैंने कहा कि जिन तकलीफों से मैं पिछले 6 महीने से गुजर रहा हूं उसके सामने तो ये तकलीफ बिल्कुल भी तकलीफ नहीं है। डॉक्टर ने मुस्कुराया, मुझसे पूछा, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफी? कॉफी से भी मेरा एक अलग सा रिश्ता है। जब भी कोई कॉफी की बात करता है तो मैं वापस वहीं जाने लगता हूं जहां से मैं अपने आप को अब निकालना चाहता हूं। इत्तफाक और हादसे कितने दिलचस्प होते हैं ना, और कई बार हमें उन जगहों पे जाना पड़ता है जहां पर हम नहीं जाना चाहते। खैर, मैंने डॉक्टर को कहा मुझे ब्लैक कॉफी पीनी है जिसमें चीनी बिल्कुल नहीं है। मेरे किसी बहुत पढ़े लिखे दोस्त ने कहा है कि अगर आपके कप में चीनी ना और पास वाले कप में चीनी हो तो भी चीनी अट्रैक्ट करती है आपके कप को। खैर, डॉक्टर ने अपनी काम वाली को, मेड को, कॉफी बनाने के लिए कहा और कहा कि आप कॉफी बना के जा सकती हैं। मेड बड़ी जिद्दी थी, कहती है, नहीं डॉक्टर, मैं आपके साथ रुकूंगी, क्या करेगी मैं जाके? तो मैंने कहा कि आपके डॉक्टर सेफ हैं, बिल्कुल चिंता ना करें, आप जाएं। बहरहाल, कॉफी मेरे सामने आई। डॉक्टर ने मुझे अपनी कहानी बताने को कहा। मैंने अपनी कहानी बताना शुरू की। डॉक्टर ने मुझसे एक सवाल पूछा। डॉक्टर ने कहा, कहानी किसकी है, मां की, बीवी की या किसी लड़की की? मैंने कहा, डॉक्टर साहब कहानी का कुछ हिस्सा एक लड़की का है, कुछ हिस्सा एक बीवी का है और कुछ हिस्सा एक मां का है। अगर मैं सबको साथ लेके चलूं तो? डॉक्टर ने कहा, कैरी ऑन। मैंने अपनी कहानी सुनाना शुरू की डॉक्टर को। तो कहानी कुछ इस तरह है दोस्तों।
एक बार मैं इंडिगो की फ्लाइट से दिल्ली से बॉम्बे जा रहा था। मेरी फ्लाइट का नंबर 678 E6678 था। मेरा सीट नंबर B27 था। फ्लाइट बस उड़ने को थी कि इतने में एक मोहतरमा उसके अंदर चढ़ी, जिन्होंने सफेद कलर का सलवार सूट पहना हुआ था, गोल्डन बाल थे उनके, बड़े बड़े कश्मीरी झुमके उन्होंने अपने कान में डाल रखे थे। वो काफी कंफ्यूज सी, काफी अजीब सी हरकतें करती हुई आगे की तरफ बढ़ रही थी। कई लोगों को उनका बैग टकरा रहा था। उनका सीट नंबर 35C था। वो अपनी सीट पर पहुंची तो उन्हें कुछ कंफर्टेबल नहीं लग रहा था उस सीट पर, काफी कंफ्यूज थी। विमान अब टेक ऑफ करने की ओर था। एयर होस्टेस ने 2-3 बार उनको बैठने को बोला। मेरे बगल वाली सीट खाली थी, खाली तो और भी बहुत लोगों के बगल वाली सीट थी, मगर किस्मत मेरी दुरुस्त थी, वो मेरे पास आके बैठ गई। उन्होंने थैंक यू कहा, मैंने अपना बैग एडजस्ट किया और हम दोनों जने अब साथ में उड़ान भरने लगे।